हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करछि समस्ते भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पै प्रिपरेशन जोरसोरे चलाई थिबो। तो एटा हमर ओटीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज रो फिफ्थ वीडियो। ऑलरेडी आमे 2013 रो जो पेडागोजी आउ मैथ बोथ पेपर 1 आउ पेपर 2 रो डिस्कशन कंप्लीट कर सरछु। एई वीडियो रे आजि आमे 2021 रो जो पेपर 1 रो मैथ क्वेश्चन आस्तला ताकु डिस्कशन करबा। तो चलो देर न करिके वीडियो रे स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, क्वेश्चन नंबर 91 गोटे 1, 4, 2, 8, 6, 24, 22 and 88 पर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू वैल्यूज। हमको नेक्स्ट जो दीटा ब्लैंक स्पेस से हमको ब्लैंक फिल कर तो देखो मोर सीक्वेंस टा लिख दौर 24 88 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
ऑप्शन नंबर सी रे जो फ्रैक्शन ता देची तार डेसिमल एक्सप्रेशन आ हमकु जो रिक्वायर्ड सम ता अछि तार डेसिमल एक्सप्रेशन पखा पखी छि त देखो 1.2 को हला 0.5 त देखो ए जो तीनटा देखो जो डेसिमल एक्सप्रेशन अछि त सबटु तार अप्रोक्स वैल्यू को होछि ऑप्शन नंबर सी रे सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 9/22 हबो तार सम ता नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कोन छि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर लाइज इन बिटवीन 7/9 एंड 6/7 6/7 और 7/9 भितरे हमको को रेशनल नंबर ता लाई करबो हमको फाइंड करया रे छे क्वेश्चन पचार छी तो देखो 7/9 जो फ्रैक्शन फॉर्म ता छी ताको मु जदी डेसिमल ले लिखबि त कते होची 0.77 सिमिलरली 6/5 को जदी मु लिखि परबि केते 0.85 तो 0.77 आउ 0.85 भितरे जो डेसिमल जो ऑप्शन गुडा भितरो जहार डेसिमल एक्सप्रेशन रहबो सेटा तर करेक्ट ऑप्शन हे जइबो तो देखो 3/4 को जदी मु डेसिमल एक्सप्रेस करछी त केते आछी 0.75 एटा देखो या भितरे रहउछी कि 0.77 एपर को पछकु पड़े आछी 0.75
सो ऑप्शन नंबर ए होबनी तापर केते 15/16 को गले केते होची 0.93 तो 0.93 0.85 को एक्सीड कर जाउची तो ऑप्शन बी भी होबनी. नेक्स्ट ऑप्शन सी को देखबा ऑप्शन सी रे कोन देची 12/17 को मो डेसिमल एक्सप्रेशन गले केते होची 0.705 करेक्ट 705 देखो एटा भी एक डेटा भीतर लाइक करनी तो एटा भी होबनी. तो बाकी कोन रहला ऑप्शन नंबर डी को थरे चेक कर देबा तो एटा केते आसी 0.81 तो 0.81 देखो 0.77 आउ 0.85 भीतर लाइक करूची सो 13/16 हे जीव तारा करेक्ट ऑप्शन जोडा की 7/9 आउ 6/5 भीतर लाइक करबो. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो क्वेश्चन नंबर 94 In which period of cognitive development children acquainted with mathematical conservation? देखो एकी conservation word ता सी गला तो conservation word ता पियाजी को जो cognitive development रो चार stage अच्छी से तेरे कहाँ से तो associate था तो तार correct option है जी concrete operational stage तो कौन है ला concrete operational stage रे जितने सब children थांती से मैंने कहाँ से तो acquainted होते थे mathematical conservation सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कौन अच्छी देखो ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 79 मीटर वाइड इट कॉस्ट इज 2244 टू फेरेंस इट एट ₹6 पर मीटर व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. हमें कौन जानचू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रो फार्मूला हमको फाइंड करियर अछि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रो फार्मूला कौन लेंथ इनटू ब्रेथ हमको गिवन डाटा रे कौन कौन अछि देखो एडा गोटे अछि रेक्टेंगल जो मुरे कंसीडर करछि ठीक अछि रेक्टेंगुलर गार्डन टे अछि तो यार कौन दे छि गिवन डाटा अछि 79 मीटर वाइड माने हमको कौन दे दी छि वी रो वैल्यू टा हमको दे दी छि केते 79 मीटर तो हमको इथे देखो जदी मोठी पुट करली 79 इनटू एल मु जदी एल रो वैल्यू टा फाइंड कर दउची तबे मोर प्रॉब्लम सॉल्व. तो ये देखो नेक्स्ट हमको और फर्दर गिवन डाटा कोन कोन अछि एटा देखो द कॉस्ट ₹2200 तारो टोटल कॉस्ट लागु छि चारि पटे बाड़ो दवा पई बाड़ो दवा माने कोन तारो पेरिफेर रे बाड़ो दिया हबो तारो पेरिमीटर रे बाड़ो दिया हबो करे तो तारो पेरिमीटर रो कोन देखो ₹6 खर्च होउ छि केते गोटे मीटर को बाड़ो दवा पई एबे मते को 2244 टका केते मीटर पई खर्च हबो तो ताको केमथि फाइंड कर परबो गोटे मीटर पई गोटे तो एक टंका खर्च होबो 1/6 मीटर पई तो हमर केते खर्च होई छि 2244 तो 2244 केते पई खर्च होबो 2244 डिवाइडेड बाय 6 तो तार वैल्यू टा केते आसीबो 374 मीटर. तो एटा कोन हैला हमको एटा पाई गलो आमे रेक्टेंगल रो पेरिमीटर टा तो पेरिमीटर रो फार्मूला कोन थिला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू आई कैन राइट 374 मीटर करेक्ट. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन हैला मु एठी लिख परबी एल रो बी रो वैल्यू जणा छी एठी मु आराम से एल रो वैल्यू टा फाइंड कर परबी तो एल रो वैल्यू टा याको सॉल्व करले केते आछी 108 मीटर. तो एठी देखो तुमको एल बी मिली गला एल मिली गला तमे आराम से एबे एरिया रो फार्मूला पुट करिके ताको बाहर कर परबो तो कोन हे गला एरिया इक्वल्स टू लेंथ 108 मीटर इनटू कोन हैला ब्रेथ केते दिछि 79 मीटर. तो एटा कोन हेगला एठे देखो 8 9 जा केते अछि मोर 72 तो देखो जति कि उडा भी ऑप्शन दे छि केवल ऑप्शन सी रे ही वन्स प्लेस रे 2 अछि सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर पुराडा सॉल्व करियर किछि आवश्यकता नै सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन तार एरिया हे जइबो दिस वन करेक्ट समस्तन को बुझा पडला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखो बढ़िया क्वेश्चन दे इन द गिवन फिगर कौन दे छि ए बी इज पैरेलल टू एच सी कौन छि ए बी इज पैरेलल टू एच जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हमको एठी जो ए रो वैल्यू डा छि एठी गुडे ए टर्म छि देखो एठी गुडे ए टर्म छि तो हमको ए रो वैल्यू फाइंड करयर छि तो एबे फर्स्ट देखो मु जदी कंसीडर करे ई सी एफ ट्रायंगल को तो एठी देखो इन ट्रायंगल ई सी एफ को मु जदी कंसीडर करे कोन लिख परबी एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू केते 180 डिग्री हैला मते देखो एंगल ई रो वैल्यू जणा अछि एंगल एफ रो वैल्यू जणा अछि इन टर्म्स ऑफ ए रे हो किंतु एफ रो वैल्यू गिवन अछि तो कोन हैला एतु मु आराम से सी रो वैल्यू पाइ फाइंड कर देबी तो कोन हे गला एंगल ई सी बी इक्वल्स टू केते हि जइबो 180 माइनस 40 प्लस 6a माइनस 5 करेक्ट 180 रो माइनस करतेले मते c रो वैल्यू टा मिलि जइबो तो c रो वैल्यू केते हि जइबो 145
145 माइनस 6a करेक्ट मतलब देखो एंगल AC रो वैल्यू टा एटा मिल गला तो हमको ऑलरेडी गिवन अछि AB इज पैरेलल टू HC तो मु कहि परबी एंगल एठी मु लिखछि देखो एंगल ECB इक्वल्स टू एंगल CDG कोन पे दीज आर द करस्पोंडिंग एंगल्स तो केते हि गला तो यार वैल्यू टा केते हि जिवो 145 माइनस 6a एबे आराम से कोइ परबो देखो ए एंगल रो वैल्यू टा मते मिलि गला ए एंगल रो वैल्यू टा केते आसीला 145 माइनस 6a करेक्ट नेक्स्ट पार्ट टा लास्ट पार्ट टा करछि एटी देखो लास्ट पार्ट रे कोन हला आई कैन राइट एंगल H एटा H DC प्लस एंगल CDG इक्वल्स टू केते 180 डिग्री करेक्ट नेक्स्ट देखो एबे आराम से कर पाइबो एंगल HDC रो वैल्यू केते ऑलरेडी गिवन अछि 10A प्लस 5 प्लस एटी केते हम एबे बाहर करलु CDG रो वैल्यू केते बाहर करलु 145 माइनस 6A इक्वल्स टू 180 हमको ए रो वैल्यू दरकार तो एटा को इक्वेशन टा को सॉल्व करके आराम से ए रो वैल्यू पाई परबो तो याको देखो मु सॉल्व कर दउ छी तो केते हे गला देखो 145 प्लस 5 150 प्लस एडा हला 10 ए रो 6 ए गला एटा रहिला 4a इक्वल्स टू केते रहिला 180 हियर आई कैन राइट 4a इक्वल्स टू 30 नेक्स्ट a विल बी 30 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 7.5 तो हमको a रो वैल्यू केते था 7.5 व्हिच इज माय रिक्वायर्ड आंसर तो करेक्ट ऑप्शन कोडा हिजबो 7.5 कोथरे अछि ऑप्शन सी बुझा पडला समस्तन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 कोन दिछि द पेडी प्रोडक्शन ऑफ 5 ब्लॉक्स आर डिपिक्टेड एज ए बी सी डी ई इन द गिवन पाई चार्ट गोटे पाई चार्ट रे देछि कोन दिछि इफ द प्रोडक्शन ऑफ ई इज 40 क्विंटल मोर देन सी देन व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए हमको केते दिछि ए रो प्रोडक्शन केते पचर छि तो एठी देखो ए रो टोटल चार्ट ताकु जदी मु करे टोटल सर्कल ता मोर केते होछि 360 डिग्री 360 रु ई रो केते होछि देखो ई रो भाग केते अछि हमरो ई रो भाग देछि हमरो केते 53 तो हियर आई कैन राइट 53/360 करेक्ट ए रो पोर्शन रहूची सेम थी सी रो पोर्शन केते रहबो सी रो पोर्शन रहूची हमर केते 58 दिची तो हेले हेगला 58/360 एकी पजंत बुझा पडला समस्तन को आउ गिवन डाटा कोन अछि देखो एडा देखो इफ द प्रोडक्शन ऑफ ई इज 40 क्विंटल मोर देन सी कहारो ई रो प्रोडक्शन सी ठारो केते बेसी अछि 40 क्विंटल तो एठी हम कोन लिख परबि देखो ई रो प्रोडक्शन केते होला तो यांकर डिफरेंस ता केते अछि हमरो 40 क्विंटल तो हियर आई कैन राइट 58/360 माइनस 53/360 इक्वल्स टू केते अछि हमरो 40 क्विंटल करेक्ट तो याको सिंपलीफाई करले केते हि जाउ छी 5/360 इक्वल्स टू केते 40 क्विंटल हमको फाइंड करियर केते अछि ए रो पोर्शन केते रहू छी देखो 84/360 करेक्ट 84/80 डिग्री अछि जेहेतु तने केते गला 84/360 तो हम जान लु जे 5/360 इक्वल्स टू 40 दैट इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू केते हि जिवो 40/360/5 करेक्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन हला हमको फाइंड केते करियर अछि ए रो माने केते 84/360 तो ठीक कोन हला 84/360 डिग्री इक्वल्स टू केते हेगला 40/360/5/84/360 बुझा पडला समस्तन को तो तार आंसर केते हिजबो 6 एबे आपको पूरा कैलकुलेट करले तमरा आसीबो मु कैलकुलेट ऑलरेडी कर दै छी तो यार आसी 3672 672 क्विंटल तो कोन हेगला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पडला समस्तन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 कौन अच्छे देखो ऑब्स्ट्रक्शन इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैथमेटिक्स बट इट विल बी यूजफुल इफ इट इनवॉल्व्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस एटा को के कहिथिले यार करेक्ट ऑप्शन हे जइबो ऑप्शन नंबर बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99 तो याकू देखो याकू सॉल्व करियर मु दीटा मेथड तो मन को कह दउ छी तो फर्स्ट क्वेश्चन देख देबा कोन दे छी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 2 3 4 5 6 7 leaves the remainder remainder kon kon dichi 1 2 3 4 5 and 0 respectively to dekho idhar ya ko tumhe mane lcm ne ki solve karibo lcm ne ki solve kala ko hit and trial method de kon ki dikhe time lagibo to that's why tumhe kon karibo na sabu number guda jetti ki guda ko option dichi charta option sabu guda dekho question ne given kon achi jete bela ame ta ko 7 divide karchu tar remainder kete aschi remainder aschi 0 to kon करबो ना ए ऑप्शन चारटा को जल्दी से 7 रे डिवाइड कर दबो देखबो जोटा रिमाइंडर 0 आसबो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन तो एतरा करेक्ट ऑप्शन कोठी हे जइबो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 119 जेतेबेला हम 7 रे डिवाइड करछु तर रिमाइंडर 0 आसछी दैट्स व्हाई सी डा हे जइबो करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन कोन छ क्वेश्चन नंबर 100 इफ द एंगल PQR एंड S ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल PQRS टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो के दे दीजिए 3:7:6:4 देन हमको पचार छी से जो क्वाड्रिलैटरल तारो तारो को दीटा साइड्स पैरेलल सबो तो चलो फर्स्ट गोटे क्वाड्रिलैटरल कर दबा क्वाड्रिलैटरल ते हमरो कोन छी पी क्यू आर एस ए ऑर्डर नंबर छी तो एथि रहला पी क्यू आर एंड एस हमको आउ कोन गिवन छी आउ गिवन छी तांकर रेशियो गुडा केते केते दिछि एंगल रो रेशियो हला 3:7:6:4 करेक्ट लेट एंगल पी को मुनौ छी एंगल पी इक्वल्स टू 3x एंगल क्यू केते दिछि एंगल क्यू हला 7x एंगल आर अछि केते 6x एंड एंगल एस हे गला हमरो 4x आमे जानि छौ चतुर्भुज रो चारिकोण रो समष्टि केते 360 डिग्री सो आई कैन राइट एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल्स टू केते 360 डिग्री तो सेटा ही लिखु छी एठी मु केते हे गला 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री करेक्ट तो एथरो मु एक्स रो वैल्यू फाइंड कर परबी एडा हे गला हमरो 20x इक्वल्स टू 360 डिग्री तो एटा केते हे गला x इक्वल्स टू 18 डिग्री एति कि पजंत कहारी किछ डाउट नाही चलो x रो वैल्यू हमको मिलला तो एठो हमें आराम से एंगल PQRS रो वैल्यू फाइंड कर परबा नेक्स्ट स्टेप कोन हे गला एंगल p केते हि जइबो एंगल p हमरो छि 3x x जगह रे मु पुट करली 18 तो एटा केते हे गला 54 डिग्री सिमिलरली एंगल q केते हबो एंगल q होउछि 126 डिग्री आउ एंगल आर हे गला 108 डिग्री एंड एंगल एस रहिला खाली एंगल एस केते हे गला 72 डिग्री एतिक पजंत कहारी किछ डाउट नै आमे आगुडे जानि छु सेम साइड्स ऑफ इंटीरियर एंगल गोटे जदी धरा जाउ ए दिटा लाइन हमरो पैरेलल अछंती तो एटे पैरेलल हेले पैरेलल अछंती तो आमे जानि छु तार जो सेम साइड रो इंटीरियर एंगल रो सम टा केते हि था 180 डिग्री तो ये देखो जेते बेले मु एंगल पी सहित एंगल क्यू को ऐड करछि तो केते हि जाउछि एटा एंगल पी सहित एंगल क्यू को जेते बेले मु ऐड करछि केते होछि 180 डिग्री सिमिलरली एंगल एस सहित एंगल आर को जेते बेले मु ऐड करछि सेते बेले कोन होछि 180 डिग्री सो ऑब्वियसली ए दिटा लाइन पी एस एंड क्यू आर पैरेलल हिथिबे तबे ना ए दिटा तर सेम साइड्स रे रहिले सेम इंटीरियर एंगल हेले सेम साइड्स रो सो कोन हम कंक्लूजन कोन ड्रॉ करलु पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर बुझा पडला समस्तंकु तडे देखो को ऑप्शन रे अछि पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर कोडे गला रे पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन समस्तों को बुझा पड़ लेना PS is parallel to QR. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे छि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हमको क्वेश्चन रे इज नॉट पचे छि आपको भल से मार्क करबो इज एन एग्जांपल ऑफ एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर ए स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स तो तार करेक्ट ऑप्शन हि जइबो ऑप्शन नंबर सी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे छि देखो
which is the specific behavior of understanding based question or understanding based question ro kouta gote specific behavior eti kon dise dekho identifying the mathematical definition and formula yaku to jare memorize kar ki bhi kar de parbo eta kon understanding based question honi next option kon dise dekho purpose alternative method for solving the mathematical problem very good this one the correct option to kon dise dekho jete bele ame gote jinsa ra ku in depth re taku in details re bujhi parthiba taku hi tar hi ame alternate method de parba je ei method re nahuli tin chatra method re ame tar divergent way re think kari parba to kon jiba seida amar kon mane gote understanding based question ame jo question ko bhalo se bujhi parthiba taku hi ame question ta ku alternates re solve kari parba so option number b is the correct option next dekho 103 re kon dichi which method is adopted to establish formula in mathematics eta samaste ko ko method ta adopt kara jai thai formula derive kariya pai jodi gote example mu tumko koi dechi dhara jao 2 dechi 2 ro square he gala 4 tapare 4 ro square he gala 16 next 8 ro square 64 next a gote sankhya ko 10 10 ro square he gala 100 देखो ए साइड रे मु जते गुडा भी संख्या नै छी सब ऑल आर इवन नंबर सब गुडा युग्म संख्या तांकर मु जते गुडा स्क्वायर करली तांकर जो रिजल्ट गुडा सिला से गुडा भी कोन छी इवन नंबर हियर आई कैन कंक्लूड दैट द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर करेक्ट याको को मेथड को जाय मु तमन को वीडियो 1 रे भी कहि सार छी मैथ क्लास रो जो वीडियो 1 नथला याको कहिथाय इंडक्शन मेथड करेक्ट so option number a is the correct option next question kon dechi dekho how many line of symmetry are there in a regular pentagon gote regular pentagon re kete ta line of symmetry thai to dekho line of symmetry kahile dhara jo line ta line of symmetry ka ko kahi thai jo line ta gote shape ko exactly di ta bhagare divide kar thai ताकू आमे कहि थाउ लाइन ऑफ सिमेट्री एठी गोटे जिंस मन रखियार अछि लाइन ऑफ सिमेट्री जते बेले भी हमकू पचार थिबो सेठी फर्स्ट तमे माने काउंट कर दबो नंबर ऑफ वर्टिसेस केतेटा वर्टिसेस अछि जति किटा वर्टिसेस थिबो नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल्स टू कहि थाय नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री गोटे शेप रे जति किटा वर्टिसेस थिबो सेति किटा दार कोन थाय लाइन ऑफ सिमेट्री तो ठी देखो आंबो कोन को जाछि रेगुलर पेंटागन पेंटागन में नेथिर केतेटा वर्टिसेस थिबो पांचटा तो एबे मते को आराम से कहि परबो जते बेले गोटे पेंटागन अछि तो तार नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री केते हि जबो ऑप्शन नंबर बी तो तार गोटे पेंटागन रो पांचटा लाइन ऑफ सिमेट्री थाय नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो ए क्लॉक शोज 15 मिनिट एक्स्ट्रा टाइम पर आवर गोटे घंटा से 15 मिनिट एक्स्ट्रा टाइम देखाए इफ इट सेट एट एक्यूरेट वैल्यू एट 3 पीएम व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम व्हेन दिस क्लॉक शोज 8 पीएम करेक्ट तो ये देखो जेते बेले भी अमर क्लॉक टा कोन दुची एक्स्ट्रा 15 मिनिट टाइम देखौची गोटे घंटा रे से टाइम देखौची गोटे घंटा जेते बेले तमर एग्जैक्ट टाइम गोटे घंटा हिथिबो से देखौची गोटे घंटा 15 मिनिट याकु टोटल मिनिट रे कन्वर्ट टोटल आवर रे कन्वर्ट करले कोन हिजबो 1 + 1/4 करेक्ट व्हिच इज इक्वल्स टू 5/4 एतिक पजंत बुझा पडला समस्तंको जेते बेले गोटे घंटा रे अमर क्वेश्चन कोन दिछि जेते बेले एग्जैक्ट टाइम गोटे घंटा हे थाउची सेते बेले अमर घंटा रे केते समय देखौची घंटे 15 मिनिट तो घंटे 15 मिनिट को अमर जदी आवर रे मु कन्वर्ट करछि तो सेटा केते जाछि 5/4 आवर्स नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन दिछि हमकू पचरछि तो घंटा रे आमे सेट करलु एग्जैक्टली 3टा बेले एडा 12 6 3 9 एक्जाक्टली जेते बेले आमे 3टा रे सेट करलु एठी देखो क्वेश्चन दिछि इफ इट इज सेट एक्यूरेट वैल्यू एट 3 पीएम व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम व्हेन द क्लॉक शोस 8 पीएम तो एठी कोन पचछि ना 8टा बेले जेते बेले हेथिबो सेते बेले जेते घंटा 8टा देखौथिबो सेते बेले एक्जाक्ट टाइम केते थिबो तो देखो एठी हला 8 हे 8 रो 3 भितरे केते आवर रे डिफरेंस अछि टोटल अछि 5 आवर डिफरेंस एति पजंत समस्त को बुझा पडला तो एबे मते कहो एई जो 5 आवर तरे केतेरा 5/4 रहइबो किंतु 5 * 5/4/5 करेक्ट तरी कोन रहला
चारटा फोर फाइव बै फोर रोज तो जिते बड़े तो कौन हो गला ना तो एक्जाक्ट टाइम केत घंटार आठटा देखा से एक्जाक्ट टाइम केत एक्जाक्ट टाइम इक्वल्स टू फोर प्लस थ्री हुई इज इक्वल्स टू सेवेन जिते बार घंटे आठटा बाजि था एक्जाक्ट टाइम रोचे सात सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पड़ा समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देख Which of the following is a affective domain of teaching mathematics? कोटा affective domain को अमर belong करुची तो तार correct option हिजब option number B. Interested in solving mathematical problem. Moving to the next question. So साथ कौन दीची देखो? Two candidate contested for a post in an election. The winner secured 60% of the votes and won by 78 votes. If 85 votes were declared invalid, then what was the number of polling? तो कोई पूछा है हमारा total number of polling हो कितने ही थी बो? तो suppose x और y दीड़ा हमारा candidate है ले, तो देखो कौन दी ची? X कितने डा extra vote रही जीती ची? इड दी ची देखो, the winner secured 60% of votes and won by 78 votes. वाई रो जेती कीटा वोट थी बो, तार थू 78 एक्स्ट्रा वोट कहार होची आमरो, X पखरे, X केतेरे जीती ची, X जीती ची 60% वोट रे, तो ओब्वियसली Y पखो को केते परसेंट वोट जाई थी बो, Y पखो को जाई ची, 40% वोट, करेक्ट, हियर आई कैन राइट 60% माइनस टोटल वोट जेती की होची, तारो 60% माइनस टोटल वोट रो 40% हेले कोनटा बारिबो इक्वल्स टू जोडा हमर एक्स्ट्रा वोट होची व्हिच इज इक्वल्स टू 78 मुलिक परबी नेक्स्ट रे देखो 60 माइनस 40 20% इक्वल्स टू 78 हमकू जदी मु याकू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बाहर करबी एटा परसेंटेज रे दिची तो तार टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स केते जीवो 100% तो मु जदी बोथ साइड रे 5 मल्टीप्लाई करले ए एलएचएस साइड टा 100 हि जीवो तो एटी देखो 100% equals to केते ही गला 78 × 5 which is equals to 390 तो मो पाखरे कोन गला एटा 100% वोट माने जो 100% वोट टा काउंट हिजे से गुडा ऑब्वियसली वैलिड वोट गुडा तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स केते ही गला 390 नेक्स्ट एति के पजंत बुझा पडला समस्तनको नेक्स्ट कोन को दिछि देखो इफ 85 वोट्स were declared invalid am pakre total 85 vote ta kon hela invalid declare kala to amku pochachi number of polls kete thibo to dekho total number of valid votes plus total number of invalid votes bahar kale amaro total number of polls bahar jibo ei dita ku mu sum kar dele kete huchi dita ku sum kale amar asuchi 475 so option number c is the correct option समस्त को बुझा पड़ला कि उथरे कह देबी देखो एधर रफ रे कह दउ छी दीटा कैंडिडेट अछंती गोटे हला एक्स कैंडिडेट आ गोटे हला वाई कैंडिडेट एक्स केते परसेंट रे जीती छी टोटल वोट रो 60% रे वाई केते रे जीती छी 40% रे आ कोन गिवन अछि डाटा वाई रो जति की वोट थिला ताठु 78 टा एक्स रो अधिका वोट्स थिला तो हियर आई कैन राइट 60% माइनस 40% इक्वल्स टू 78% तो कोन होला 20% इक्वल्स टू 78% तो देखो टोटल वैलिड वोट्स को परसेंटेज देछि माने टोटल वैलिड वोट्स केते होला 100% तो एठी मोले जदी याको 100% करे अपन कोन करबी बोथ साइड रे लेफ्ट हैंड साइड रे 5 मल्टीप्लाई करला माने राइट हैंड साइड रे 5 मल्टीप्लाई करिया को होबो जदी मु लेफ्ट हैंड साइड रे 5 मल्टीप्लाई करले केते होला 100% माने टोटल एति की वोट ता काउंट हिछि हमरो तो 100% इक्वल्स टू आरएचएस रे 5 मल्टीप्लाई करले केते होला 390 माने 390 टा हला हमरो वैलिड वोट्स आउ क्वेश्चन गिवन कोन अछि एटा हला हमरो इनवैलिड वोट्स तो वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स वोट्स को जदी मु ऐड कर दिए तो कोन हमरो टोटल नंबर ऑफ पोल्स बाहर जइबो तो एटा होला 475 आई होप समस्तनकु बुझा पडथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर कोन दिछि देखो A tank was 7/12 part is filled with water. On adding 12 liter of water to it, 1/6 of the space will left empty. तो कौन दी ची? What is the total quantity of water required to fill the tank when it is empty? माने
normally से पचाची से total tank तरह strength के थे तो let जोड़ा कौन पचाची तो x ने बा let the capacity of the tank capacity of the total tank रो capacity टा को मुनो ची x correct x ने ली तो कौन दे ची first रे x रो 7th by 12th part already fill थिला x रो total tank रो 7th by 12th part fill थिला सेथिरे आउ कौन करा हला 12 लीटर ऐड करा हला 8 part तरे कौन हला ना 12 लीटर ऐड करा गला 12 लीटर ऐड करा गला परे next कौन दी ची देखो 1 by 6th of the space will till left empty total जोदी 6 भागो जोदी total tank टाको करा जाए सेथिरो एक भाग स्टिल एम्प्टी रहला तो फुल केते रहला तो हमर एक्स रो टोटल टैंक रो केते पार्ट फुल हला हमरो 5/6 करेक्ट टोटल हमरो टैंक तक नेली मु एक्स लीटर धरा जो तारा कैपेसिटी अछि एक्स रो 7/12 पार्ट से फिल थिला सेथिरे मु 12 लीटर ऐड करला कोनो बंचिला हमरो क्वेश्चन दे छि एम्प्टी एम्प्टी दे छि 1/6 मींस फिल केते अछि फिल ऑब्वियसली 5/6 दिबो तो इटि कोन हला x रो 5/6 तो याकू सिंपलीफाई करले कोन हि जाउची देखो 7x/12 + 12 = 5x/6 दैट इंप्लाइज 7x + 144/12 = 5x/6 एति पजंत कहारी किछि डाउट नै एई दिटा इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करी किना ए इक्वेशन टा को हमें एक्स रो वैल्यू फाइंड कर परबा तो एठी कोन हि जेबो देखो या को सॉल्व करले हमर आसु छी 3x = 144 दैट इंप्लाइज x = केते होला 144/3 व्हिच इज इक्वल्स टू 48 लीटर तो मोर करेक्ट ऑप्शन कोड हि जेबो ऑप्शन नंबर सी तो टोटल टैंक रो कैपेसिटी केते अछि 48 लीटर समस्त को बुझा पड़ला टोटल मु फर्स्ट तार लेली जोडा हमको मागी छी ताको मु एक्स लेली केते एम्प्टी रहबो टोटल एम्प्टी रहबो माने केते लीटर सेतरे कैपेसिटी अछि तो टोटल जति की टैंक रो कैपेसिटी ताको मु लेली एक्स तार 7/12 पार्ट फिल थिला फर्स्ट सेथिरे 12 लीटर ऐड करा गला सेथिरु नेक्स्ट कोन कछि 12 लीटर ऐड करला परे एम्प्टी पोर्शन ता तुमको क्वेश्चन दे छी तो मु कोन कहली 12 लीटर ऐड करला माने ऑब्वियसली सेटा फिल हबो तो मु जति की थिला तार एडा हला तार एम्प्टी पोर्शन केते थिला केते पोर्शन एडा हला मु तार फिल पार्टटा बाहर कर देली एतिक पजंत बुझा पड़ला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे छी देखो ए 660 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए ब्रिज एंड ए पोल इन 1 मिनिट 25 सेकंड एंड 11 सेकंड रेस्पेक्टिवली आ कोन पचा छी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज ब्रिज रो लेंथ केते पचा छी तो एठी देखो हमको गिवन डाटा कोन कोन अछि गिवन अछि 660 हेला कहारो 660 मीटर हेला ट्रेन रो लेंथ सेटा ब्रिज को केते मिनिट रे क्रॉस करू छी 1 मिनिट केते टाइम रे 1 मिनिट 25 सेकंड आउ कोन गिवन डाटा अछि पोल को क्रॉस करू छी 11 सेकंड रे एति की गिवन डाटा अछि हमको मांगी छी कोन ब्रिज रो लेंथ केते हबो तो देखो एडा गुटे ट्रेन टा अछि ट्रेन टा पोल टा को जदी 11 सेकंड रे क्रॉस करू थाय सेथिरो आमे आराम से काढ परबा ट्रेन रो स्पीड केते सो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन केते हे गला स्पीड इक्वल्स टू 660/11 व्हिच इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकंड एति के पजंत समस्त को बुझा पड़ला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन पचार छी एति के पजंत हला नेक्स्ट हमको पचार छी ब्रिज रो लेंथ केते हबो लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज लेंथ ऑफ द ब्रिज ब्रिज रो लेंथ केते हो हम ब्रिज रो लेंथ को नउ छु एक्स तो कोन हला से ब्रिज को केते मिनिट केते टाइम रे क्रॉस करू छी गोटे मिनिट 25 सेकंड याकू जदी मु टोटल सेकंड रे कन्वर्ट करली तो केते हे गला 60 गोटे मिनिट जे 60 सेकंड प्लस एडिशनल अछि 25 सेकंड व्हिच इज इक्वल्स टू 85 सेकंड 85 सेकंड रे टोटल से ब्रिज को क्रॉस करू छी तो देखो गोटे ट्रेन टा गोटे ब्रिज को क्रॉस करू छी माने कोन से तारो ब्रिज रो टोटल लेंथ को भी क्रॉस करू छी
आउ ट्रेन टा तारो निजो लेंथ को भी क्रॉस करूची एटा बुझा पडला कि नै आउ थरे देखो ट्रेन टा ब्रिज टा को क्रॉस करूची माने कोन से जति कि ब्रिज रो लेंथ अछि ताकु भी क्रॉस करूची आउ जोटा ट्रेन रो निजो लेंथ अछि ताकु भी से क्रॉस करूची सो हियर आई कैन राइट कोन लिखि परबे मु देखो 85 सेकंड टोटल लागुची ताकु 85 इक्वल्स टू टोटल लेंथ केते हे गला 660 हे गला हमरो ट्रेन रो लेंथ आउ एक्स नै छी मु ब्रिज रो लेंथ बाय केते तार स्पीड केते अछि स्पीड अछि 60 तो एठो मु सॉल्व करि किना एक्स रो वैल्यू एबे आराम से पाइ जेबी एक्स रो वैल्यू पाइ गले मु पाइ गली लेंथ ऑफ ब्रिज तो एबे ताकु सॉल्व करले केते आछि देखो एबे ताकु सॉल्व करले आसला केते एक्स इज इक्वल्स टू केते आसीबो दिस वन बुझा पड़ला याको क्रॉस मल्टीप्लाई करबो देन आरएचएस को नेकी याको निजे सॉल्व कर देबो तो एक्स रो वैल्यू केते आसुची 4440 मीटर सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन समस्तन को बुझा पड़ला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दीची द डायमीटर ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 1 मीटर 12 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली आउ कोन पचरची देखो व्हाट इज द कट सरफेस एरिया फर्स्ट मते समस्त वीडियो पॉज करो आउ कह सिलेंडर रो कट सरफेस एरिया रो फार्मूला कोन थिला फार्मूला होची कट सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया कौन थिला 2πRh h टा हला तारो सिलेंडर रो हाइट r टा हला तारो रेडियस टा हमको कोन कोन दिछि गिवन कोन करन छि देखो गिवन डाटा छि एडा हला मोर रिक्वायर्ड फार्मूला डा एथरे बस बाकी गिवन डाटा रे पुट फार्मूला पुट कर देले आंसर मिल जिवो एडी कोन दिछि देखो गिवन डाटा कोन कोन अछि गिवन अछि तमरो डायमीटर ऑफ द बेस ए जो सिलेंडर तारो जो बेस टा अछि तारो तमकु से दे दिछि डायमीटर डायमीटर केते दिछि देखो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर दे दिछि तो याकु मु जदि टोटल मीटर रे कन्वर्ट करली एते जेहेतु तमरो आंसर सब मीटर्स अछि तो याकु मु जेतबे मीटर रे कन्वर्ट करली तडा केते हे गला 28/25 मीटर्स समस्त सेंटीमीटर को मीटर रे कन्वर्ट करि जानथिबो आउ कोन गिवन डाटा अछि आउ गिवन डाटा अछि हाइट हाइट केते दिछि 2 मीटर नेक्स्ट कोन सिंपली फार्मूला रे पुट करा हबो केते हला 2πRh 2 पाई जगह रे पुट करो 22/7 केते हला आर अछि हम पाखरे 28/25 इनटू एच केते अछि 2 मीटर याको जे तमे टोटल मल्टीप्लाई करबो तो मान कर आसुची 7.04 मीटर स्क्वायर याको कैलकुलेट निजे कर दबो कोन हला सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बिकम 7.04 मीटर स्क्वायर सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन एतकी पर्यंत समस्तन को बुझा पडला नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो इन गिवन ट्रायंगल एबीसी एंगल डीएसी इज द एक्सटीरियर एंगल इफ एबी इक्वल्स टू एई आउ कोन गिवन अछि AE equals to EC. Then calculate. Calculate कौन करे रची? Angle ABE. Angle ABE. A angle टा कहते हैं वो से question रे पहुँच रची. तो ये ठीक देखो. कौन हमको given रची? AB equals to EC. हमें जान चुजे. बाहु दी रो जो दी समान हुए. तारो समुखीनो कौन रो परिमाण समान हुए. So here I can write. ये ठीक मुझे लिख दो ची देखो. Here given कौन कौन रची? Given AE equals to EC आमे जानी छु बाहुदय रो जदि समान हुए तांकर सम्मुखिन कोण रो परिमाण भी समान हबो तो देखो AE रो AE बाहु रो सम्मुखिन कोण कोडा होची AE बाहु रो सम्मुखिन कोण हैला एंगल ACE इक्वल का सहित हबो EC EC रो सम्मुखिन कोण कोडा EC रो सम्मुखिन होची CAE एठ मु लिख परबी एंगल सी ए ई एडे बुझा पडला समस्तन को लेट से वैल्यू टा होची एक्स करेक्ट एडा को मु नेली केते एक्स अज्यूम करली आउटे जानी छी मु
त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण अंतरस्थ दूरवर्ती कोणर समष्टि सहित समान हेथाय कोण एक्सटेरियर एंगल रो सम ए साइड रे कहि दउची सपोज एटा गोटे हला ट्रायंगल टे ट्रायंगल रो एक्सटेरियर एंगल रो परिमाण टा कहा सहित समान हेथाय द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ए दिटा एंगल सहित तार समष्टि टा समान हेथाय एटा समस्तंकर मने अछि थ्योरम टा तो एटि देखो जदि एंगल ए ई बी इज एन एक्सटेरियर एंगल फॉर द ट्रायंगल को ट्रायंगल टा पाई ई ए सी ट्रायंगल पाई ए कोणटा ए ई बी कोणटा एक्सटेरियर एंगल हबो जदि एडा एक्सटेरियर एंगल हबो सो आई कैन राइट एक्सटेरियर एंगल कोन कहले बे ही सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल सहित समान थाय तडी कोन हबो एंगल ए ई बी इक्वल्स टू केते एडा एक्स x plus x equals to 2x एति पजन समस्त को बुझा पड़ला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट स्टेप रे आउ कोन गिवन डाटा अछि हम पखरे गिवन डाटा अछि जे ab equals to कोन ab equals to ae पुनी से पुरणा थ्योरम को अप्लाई करले कोन हि गला एंगल abe equals to एंगल aeb एबे हम टिके अगर बाहर कर ली एंगल ए ई बी केते 2x तो एडा भी केते 2x तो एठ मु लिख परबी ए एंगल ता हला 2x ए एंगल ता भी हला 2x करेक्ट एति पजंत समस्त को बुझा पड़ला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमें जदि काढबा कोन हला देखो एई बड़ ट्रायंगल ता को देखो लुक एट द ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी ट्रायंगल को मु जदि निए तो एंगल सी ए डी ता कोन हे गला मोर एक्सटेरियर एंगल बहिस्थ कोन हे गला इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी ए डी एक्सटेरियर एंगल अछि एक्सटेरियर एंगल रो हमकु मेजरमेंट दे दी छी केते 108 डिग्री अछि बली तो मु कहि परबी बहिस्थ कोण रो समष्टि तार अंतरस्थ दूरवर्ती कोण रो समष्टि सहित समान माने एंगल बी एंड एंगल सी सहित समान हबो देयरफॉर आई कैन राइट 2x + x यारो एरे जदि एक्सटेरियर एंगल ए हुए तार इंटीरियर एंगल्स दिटा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स को a b c आउ a c b सो आई कैन राइट 2x s a b c केते छ 2x आउ a c b केते छ x इक्वल्स टू 108 डिग्री एथरु म आराम से केते भल्ला 3x इक्वल्स टू 108 डिग्री दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 36 डिग्री x रो वैल्यू पाई गली हमकु क्वेश्चन रे कहार वैल्यू पचर छी हमकु क्वेश्चन रे पचर छी हमरो A B E A B E ए एंगल टा पचर छी एंगल टा को हम केते अज्यूम कर छे 2x तो कोन हला देयरफॉर एंगल A B E इक्वल्स टू 2x x जा x रो वैल्यू मु केते फाइंड कर लिए 36 डिग्री सो 2 इनटू 36 which is equals to 72 degree समस्त को बुझा पड़ला त कोन हला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन बस एथिरे तुमको एडा अप्लाई करियार अछि द एक्सटेरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बस एडा को अप्लाई करके तुम मानको प्रॉब्लम टा सॉल्व करियार अछि आई होप समस्त को बुझा पड़थो भल रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच वन does not significantly the feature of mathematics oda mathematics ro gote feature nu hai to kon hobo eda ho jibo correct answer he jibo science of behavior ko kon kaha jae mu tumko already kahi sachhi samasta mate comment section re likhi ki janebo je science of behavior ko kon kaha jai thai next question chalo next question kon dichi a metallic cuboid has length kete de dichi given uda likhi daba question padhiya soito गिवन अछि लेंथ अछि 12 मीटर नेक्स्ट ब्रेथ अछि हमर कते 9 मीटर नेक्स्ट कोन दी छि हाइट अछि हमर 8 मीटर करेक्ट गोटे क्यूबॉइड ते अछि क्यूबॉइड समस्त बुझ पर छ ना
क्यूबॉइड टे अछि क्यूबॉइड तुमको दिछि लेंथ दैर्घ्य प्रस्थ आउ तारो उच्चता से दे दैछि तो कोन बुझैछि नेक्स्ट देखिबा हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एजेस 3 मीटर कैन बी कट आउट ऑफ इट एई क्यूब तारो 3 मीटर एज रो केतडी हमरो क्यूब काढ परबा एडा हमर क्वेश्चन अछि तो देखो क्यूब काढबि माने ऑब्वियसली तारो मु वॉल्यूम रो काढबि तो एठी कोन हिजबो देखो नंबर ऑफ कट आउट केमती फाइंड करबो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कोन हिगला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेक्ट नेक्स्ट देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रो फार्मूला कोन थिला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट मु डायरेक्ट वैल्यूज पुट करछि तो कते हिगला 12 इनटू 9 इनटू 8 नेक्स्ट क्यूब रो कोन हबो ए क्यू हुए वॉल्यूम टा तो कोन हिगला ए दिछि हमरो 3 इनटू 3 इनटू 3 या को सॉल्व करले आछि 32 सॉल्व करना मनी जे तो कते हला देखो सो करेक्ट ऑप्शन पड़ा ही जबो ऑप्शन नंबर ए 32 डा हमरो क्यूब कट आउट कर पाइबा से थ्रू बुझा पड़ले समस्तन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच कंडीशन इज नेसेसरी टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट तो तारा करेक्ट ऑप्शन ही जबो बाय आस्किंग क्वेश्चन व्हिच हैव वन एंड ओनली वन आंसर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो कौन दीछी इन गिवन फिगर इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स रो वैल्यू केते हमको फाइंड करियार अछि समस्तंकर मने अछि कि नै द एंगल सस्टेंडेड इटे मु लिख दउ छी द एंगल सस्टेंडेड बाय द डायमीटर केते हिते समस्त रिकॉल करो द एंगल सस्टेंडेड बाय डायमीटर इज केते 90 डिग्री समस्त हिते जानि छै तो एठी देखो हमरो ए बी टा गिवन अछि डायमीटर सो एथिरे जो एंगल टा फॉर्म करबो को एंगल टा फॉर्म करबो देखो ए सी बी एंगल टा फॉर्म करछि तो एंगल देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू केते हबो 90 डिग्री एकी पजंत समस्त को बुझा पड़ला नेक्स्ट देखो ऑलरेडी हमरो गिवन अछि बी सी डी एंगल टा हमरो दिया है छि 40 डिग्री देयरफॉर एंगल ए सी डी डा केते हि जिवो ऑटोमेटिकली 90 माइनस 40 एटा हे गला हमरो 50 डिग्री एथरे कारी को किछ कंफ्यूजनस नाही नेक्स्ट देखो हमें आ गोटे जानि छु गोटे आर्क रो जेते सब सर्कल ऊपर एंगल फॉर्म पर थाय से गुडा रो वैल्यू इक्वल थाय देखो एडी टा जदी गोटे आर्क हुए तो एथिरे जो एंगल फॉर्म को गुडा करूची ए सी डी आ गुडा करूची देखो ए बी डी करेक्ट सो कोनि जीवो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी एति पंजे बुझा पडला समस्तन को एंगल एसीडी मु एबे हि टिके अगर फाइंड करली केते 50 डिग्री सो एंगल एबीडी भी केते एबीडी केते हि जबो एटा हे गला 50 डिग्री नेक्स्ट देखो एठी देखो एबी एटा हे गला मोर 50 डिग्री करेक्ट नेक्स्ट देखो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी डी ई जो एक्स्ट्रा जोडा छी कोन पई एस ए बी एंड डी सी आर पैरेलल सो दिस एंगल एंड दिस वन आर द अल्टरनेटिव एंगल्स सो एक्स रो वैल्यू केते होला एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री करेक्ट इट देयरफॉर लिख दउ छी एस ए बी इज पैरेलल टू डी ई बुझा पडला समस्तन को सो एक्स रो वैल्यू केते आसीला एक्स रो वैल्यू आसीला 50 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कौन दी छी इफ 3 1 3 2 1 4 a 4 इज ए नंबर डिविजिबल बाय 4
without leaving any remainder, then the number of possible, एड़ा को भल से पढ़ी बा देखो, the number of possible values of A, A रो केते ता possible value हे पारी, most of पिला कौन question ने थेरे भूल कोड़ी करी क्या सुन्दे मुँ first कोई दोची, तम को देखो, हमें समस्त जान चुँ जे, चारि घर विभाज्यर रूल कौन थिला जदि एकक आउ दशक घरर अंक माने धर जो लास्ट दीटा डिजिट जदि चार डिविजिबल हो जाउची तबे होल नंबर विल डिविजिबल बाय 4 एटा समस्त को जानो छी डिविजिबिलिटी रूल नेक्स्ट देखो एथिरे कोन करनथिरे भूल कोठी हुए ए 4 रे कोन करनथि जति के ऑप्शन गुडा देथै से वैल्यू गुडा को पुट कर देखथि जोड़ा सॉल्व हो जाए सेटा को सामने टिक करके पर आस्थांती ए भूल बिल्कुल करिया नहीं हमको क्वेश्चन कोन पूछत छी द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए ए रो केतेटा पॉसिबल वैल्यू हे पाइबो सो दैट दिस नंबर त मु लिख दू छी 3 2 1 4 A 4 विल डिविजिबल बाय 4 तो हमको बाहर करया रछी जे ए रो जगह रे मु केतेटा नंबर लिख परबी देखो यदि इफ आई पुट 0 then 04 is divisible by 4 so 0 is one possible value next dekho mu jodi 1 rakhuchi 1 hele eta divisible hobo 4 re nai next dekho jodi mu ethi 2 put korchi 2 put kole eta kete hegala 24 24 is divisible by 4 correct so 2 ko bhi mu nei parimi next kon achi dekho jodi mu 3 rakhuchi 3 rakhile jo number ta 3 rakhile eta kete hejibo 32, 32 is divisible by 4, not wrong, so 3 को मुँ नहीं पारी मिनी, next suppose धरा जाओ मैं ठीक 4 नेले कहते हैं जो ची, 4 नेले हैला 44, 44 is divisible by 4, so the whole total number is divisible by 4, so इटे उड़ा मुँ टिक मार कर ची, next देखो, जदि मुँ 5 नो ची, 5 नेले कहते हैं जो ची, 5 नेले है वाला हमारा 54, but 54 is not divisible by 4. So the whole number is not divisible by 4. Next देखो, जदि मु 5 वाला 6 नेली, 6 नेले कौन होची देखो, 6 नेले है वाला 64, 64 is divisible by 4. So this number is also divisible by 4. Last one, एठी धरा जब मु नेली 7 नेले होनी, देखी दबो समझते 7 नेले होची 74, 74 which is not divisible by 4. Correct? Next देखो, 8 जदि मु नेले, 8 नेले कहते ही जाऊची 8 नेले हे वाला एटा 84 which is divisible by 4 so the whole number is divisible by 4 9 नेले हबनी सिमते देखो एडी क्वेश्चन पचैथला टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए केतेटा हला ए रो केतेटा वैल्यू में पाइलु ए रो आमे 5 टी वैल्यू पाइलु सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन एडे समस्त को बुझा पडला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि व्हाट इज व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 360 360 रो टोटल केतेटा फैक्टर अछि से पचारछि जते बेरे फैक्टर पचारथिबो फर्स्ट ताको प्राइम फैक्टराइज कर दबो माने कोन देखो एला 360 मु लेखली 360 रे सबटु प्राइम नंबर फर्स्ट 2 रे डिविजिबल हे जाउछि 2 रे कलेड आसला मोर 180 नेक्स्ट 2 रे कले 2 रे हे जइबो एटा हला 90 नेक्स्ट 2 45 5 प्लस 9 तेनोते 3 रे हबो 3 रे कले केते हला देखो 15 नेक्स्ट एडा भी 3 रे होबो 3 रे कले हलाटा 5 सो आई कैन राइट 36 इक्वल्स टू 2 क्यू इनटू 3 स्क्वायर इनटू 5 करेक्ट तो फैक्टराइज टोटल केतरा फैक्टर बाहर करया पय कोन करंती ना जो तिकी गुडा पावर थे यार पावर केते छि 1 जो जो प्राइम नंबर्स गुडा रे जो गुडा पावर थाय सेथरे प्लस 1 करिकी सेगुडा को मल्टीप्लाई कर दियो तो देखो एथरे 2 रो पावर केते अछि 3 तहला 3 प्लस 1 इनटू एडी केते अछि 3 रो पावर केते अछि 2 एथि हेगला 2 प्लस 1 इनटू 1 रो पावर केते अछि 1 सेथरे 1 ऐड करबी त एटा हेगला 4 इनटू 3 इनटू 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 24 बुझा पडले समस्तंकु तो 360 रो केतेटा फैक्टर अछि 360 रो हला 24 टा फैक्टर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन एटा बहुत इंपोर्टेंट है कोन अछि देखो
ओपन एंडेड क्वेश्चन रो कोडे कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट मते कुह समस्त रिकॉल करो व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेक्ट एटा सिटेड रे बहुत थरो इथरु क्वेश्चन पकी थाय व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एंडेड क्वेश्चन आउ क्लोज एंडेड क्वेश्चन मु तुमको एटा गोटे एग्जांपल ले बुझे दउची तो देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन कहिले जोडा की पर्सन टू पर्सन तारो आंसर वेरी करबो लाइक तुमको कहबो राइट द सम ऑफ एनी टू नंबर इज 10 के पिला ताको 5 प्लस 5 भी लेखि पारे के पिला ताको 8 प्लस 2 भी लेखि पारे के पिला ताको 2 प्लस 8 भी लेखि पारे तो कोन इति देखो पर्सन टू पर्सन नंबर आंसर वेरी करला के ताको प्लस माइनस रे करिक ना के ताको माइनस 12 कोन हला माइनस 12 प्लस 22 भी लेखि पारे इक्वल्स टू 10 हि गला तो कोन ला जदी तुमको क्वेश्चन पचरा जाय थाए राइट द सम ऑफ एनी टू नंबर इज 10 तो कोन हला समस्तक पई क्वेश्चन तारो आंसर तो वेरी करछि सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन जहारो कि आंसर समस्तक पखरे अलग-अलग हेते तो सेइटा को कह जाय थाय ओपन एंडेड क्वेश्चन नेक्स्ट कोन हला नेक्स्ट हला क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन रो गोटे सबटु सिंपलेस्ट एग्जांपल राइट द सम ऑफ 10 प्लस 10 10 प्लस 10 रो एडिशन केते हबो 20 एटा यूनिवर्सल जहा को भी पचा देले तार आंसर केते 20 आसीबो अदरवाइज 20 अदरवाइज जहां भी क्वेश्चन आंसर आसीबो सेटा त रॉन्ग होबो सो कोन जोटर गोटे पर्टिकुलर आंसर थाय से आंसर छोडा बाकी जोटा भी लेखिले रॉन्ग होबो तेबे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन बुझा पडला समस्तनको ओपन एंडेड कोन एंड क्लोज एंडेड कोन आई होप काहेर को ओपन एंडेड आउ क्लोज एंडेड रे फर्दर के भूल करबनी नेक्स्ट देखो कोन पचछि व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन एबे क्वेश्चन सॉल्व करबा कोन दिछि देखो अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक answer impaired a student's ability to reach the conclusion it improved the creativity and thinking capacity of the students to kon hejibo option number b ta hejibo correct option jete bele ame gote pila ko open ended question pachar parta se nijo monaru ta ko bhabi ki kon na ta ko better se answer de parta to kon he gala option number b ta hejibo correct option next question dekho a toy is sold for ए प्रॉफिट ऑफ 12% प्रॉफिट रे बिक्री करा गला इफ इट वाज सोल्ड फॉर 2.4 रुपीस मोर देन इट वाज सोल्ड फॉर देन द प्रॉफिट वुड बी 15% क्वेश्चन कोन पचछि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस टॉय रे केते बोली हमकु पचछि तो मु याको सॉल्व कर छी एटी देखो लेट लेट द कॉस्ट प्राइस कु मनौ छी कॉस्ट प्राइस हला x तो देखो से फर्स्ट केते रे बिक्री कला फर्स्ट ताको बिक्री कला 12% रे तो 12% रे तबे तर सेलिंग प्राइस केते हि जिवो x प्लस तर 12% प्रॉफिट करछि कोन हे गला 12x/100 तर सेलिंग प्राइस हे गला एतरे का हि किछ डाउट नै नेक्स्ट एरा हे गला ने आउ कोन कहि छि नेक्स्ट क्वेश्चन रे गिवन कोन छि से जदि ताकु 2 टका 40 पैसा एक्स्ट्रा रे बिकि थांता तेबे तर प्रॉफिट केते हि थांता 15% एई सोल्ड प्राइस ता एटा हला हमरो सोल्ड प्राइस जदि से तारो सेलिंग प्राइस रु 2 टका 40 पैसा एक्स्ट्रा दाम रे बिकि थांता तेबे ताकु प्रॉफिट केते हि थांता 15% प्रॉफिट हि थांता तो देखो जदि एटा जदि तारो सेलिंग प्राइस हला 12x/100 एथरे मु जदि 2 टका केते दिछ हमरो 2 टका 40 पैसा याकु मु जदि टोटल टंका रे कन्वर्ट कर देले केते हि जिवो 12/5 टका जदि मु 12/5 टका ऐड करूछि तबे तार प्रॉफिट केते होउछि 15% तो 15% प्रॉफिट करले तार सोल्ड प्राइस केते हि जिवो x+15x/100 एथिक पर्यंत समस्त बुझ पालो एथिक जे कहारी किछ डाउट नै तो देखो मु जदि एई इक्वेशन टाकु ए इक्वेशन 1 को जदि किना सॉल्व एबे आराम से गोटे इक्वेशन रे मिलि गला हमकु एई इक्वेशन टाकु सॉल्व करि किना एक्स रो वैल्यू फाइंड कर परबी एक्स रो वैल्यू फाइंड करले कोन आसी नंबर कॉस्ट प्राइस आसी गला हमकु क्वेश्चन रे कोन पचछि कॉस्ट प्राइस पचछि तो चलो याकु सॉल्व करबाबे कोन हे गला एटा देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हे जिवो एक्स कैंसिल आउट हे गले रहिला केते 12x/100
100 plus 12 by 5 equals to 15x by 10. Next देखो कौन ही गला याकु solve को लेस जीबो 3x equals to 240 एटा चार्ट 240 next कौन हला x equals to 240 by 3 which is equals to 80 x रो भेलू आसी गला x रो को हमें कौन नहीं थिलू cost price आमको question ने पोचाची cost price so option number B is the correct option I hope समस्तों को बुझा पड़ती थी बहुत की जाएं एठी 2021 रो जो पेपर 1 रो मैथ क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट हैला यार क्वेश्चन रो डिटेल एक्सप्लेन आंसर पीडीएफ आमो टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जिवो मु टेलीग्राम रो ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे दे छी जदी वीडियो डी भल लागी थिबो तबे निश्चय लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिवे थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो